और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर के हॉस्पिटल की, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं दौरा करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने। और आज सुबह सुबह एक दुखद खबर आई, जिसमें कानपुर में एक बड़ी घटना हुई, पुलिस मुठभेड़ बदमाशों के साथ। और इसमें कई ऐसे जांबाज पुलिसकर्मी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो कई इसमें जख्मी हैं। और जो जख्मी पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनको देखने के लिए किस तरह से इलाज चल रहा है ये जानने के लिए, मुआयना करने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो कानपुर के हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं और घायल जवानों का, पुलिसकर्मियों का हाल जान रहे हैं। तो ये तस्वीरें डॉक्टर को निर्देश देते हुए उचित और सही तरीके से इलाज के लिए, जिससे जो जवान यहाँ शहीद हुए हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ शहीद हुए हैं और जिनकी हालत गंभीर है, उनको, उनके परिवारों को कम से कम ये एक सही संदेश मिले, उनका हौसला अफजाई हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम खुद यहाँ हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और मुलाकात करते हुए घायल पुलिसकर्मियों से और डॉक्टरों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर के अस्पताल की। और कानपुर में शहीद हुए हैं आज सुबह मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी, और शहीद पुलिस वालों के प्रति लगातार सुबह से संवेदनाएं और उनकी शहादत को लगातार सलाम किया जा रहा है। तुषार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता कानपुर से। तुषार, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर काफी उन्होंने दुख व्यक्त किया था, जो घटना हुई है सुबह, जिस तरह से 8 पुलिस कर्मियों की आज हत्या कर दी गई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ काफी सख्त थे और काफी उन्होंने दुख व्यक्त किया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं कानपुर और रेजिडेंसी अस्पताल में घायलों से मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी मिल रहे हैं। साथ ही इसके बाद उनका कार्यक्रम होगा, पुलिस लाइन जाके वहाँ पे वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, मृतक जो शहीद पुलिसकर्मी हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके भी परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अभी तक इसमें इस पूरी घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। 12 इसमें आरोपी हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या घटना थी, क्या कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों के मुद्दों को लेकर भी वो जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर में क्या वजह थी जो इतनी बड़ी घटना हो गई, और इतनी बड़ी इतना बड़ा अपराधी था तो पुलिस फोर्स क्यों इतनी कम गई, क्यों नहीं पुलिस फोर्स ने पूरी तैयारी के साथ गई थी, पुलिस टीम पे जिस तरह से हमला हुआ इसमें SSP का क्या रोल था, आखिर में SSP क्यों नहीं खुद गए, क्योंकि ये कोई पहला मुठभेड़ नहीं था। इससे पहले भी 2003 में इसने पुलिस पार्टी के ऊपर गोली चलाई थी, और साथ ही 2001 में जब विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नाम के एक नेता हत्या की थी, तो भी वो पुलिस थाने के अंदर घुस के लॉकअप से बाहर निकाल कर उसको मारा था। तो एक दुर्दांत अपराधी ये शुरू से था। बिल्कुल, तो सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, वो अब फिलहाल आगे उस पर आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तुषार।